जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जुडिशियल रिव्यू 9th स्केड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। 9th स्केड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है या नहीं है, एमपीएससी में इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो आधा पार्ट है वो हमने ऑलरेडी जो फंडामेंटल राइट्स हमने चैप्टर लिया था, तो उसका जो लास्ट पार्ट था पार्ट 8 फंडामेंटल राइट्स का, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कवर की है। तो जो चीज़ें मैंने उसमें कवर की है वो इसमें कवर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी मेरा भी। तो इसलिए कुछ नई चीज़ जो रहेगी वो मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो इस वीडियो को प्रेजेंट करूँगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम पर PDF जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। उप्स, अब प्रेजेंटेशन जो है वो भी शायद अप्रैल फुल बनाने लग गया है। खैर, शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो नेहरू साहब है वो जब हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधान सेवक थे, तो उस वक्त देश आज़ाद हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर जैसे जो नेहरू साहब है वो भी बोल रहे हैं कि नेशनलाइजेशन का ज़माना है, यहाँ पर नेशनलाइजेशन काफ़ी कर रहे थे वो लोग, तो उस वजह से जो लैंड है उसकी बहुत ज़रूरत पड़ रही थी उन्हें। अब देखिए, 3 सेक्टर्स होते हैं। एक हम देखते हैं सर्विस सेक्टर, दूसरा हम देखते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर, और तीसरा हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अगर हम सर्विस सेक्टर देखें तो वहाँ पर लैंड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो वहाँ पर जो ज़मीन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप सभी को पता होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 19 है उसका जो F क्लॉज है, उसमें लैंड एक्विजिशन के बारे में दिया हुआ था कि जो भी इंसान जब तक चाहे अपनी ज़मीन अपने पास रख सकता है, उससे वो ज़मीन कोई छीन नहीं सकता है। वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसे अमेंड करके अब वो लीगल राइट बना दिया गया है। अब वो कौन से आर्टिकल में है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से नेशनलाइजेशन शुरू था। अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसे डेवलपमेंट चाहिए थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, लेकिन जो ज़मीन है वो एक्वायर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें नए आर्टिकल्स लाने पड़े। अब यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो काफ़ी इनके नाक में दम कर रहा था, इसलिए उन्होंने 9th स्केड्यूल लेके आ गए। अब 9th स्केड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाया गया। अब वो एक ऐसा कंटेनर था जहाँ पर अगर गवर्नमेंट कोई भी चेंजेस लाते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं, तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। मतलब यहाँ पर जो जज है वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वहाँ जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं कर पाएंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है वो हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में देखा हुआ है। तो इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू जो है यहाँ काम नहीं कर रहा था 9th स्केड्यूल में। अब ऐसा हुआ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हो या कुछ भी हो, डेवलपमेंट के लिए, जो इंडिया है उसकी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है चेंजेस लाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पर उन्होंने 9th स्केड्यूल में कुछ अमेंडमेंट्स लाना शुरू कर दिए, जो कि 9th स्केड्यूल में रखते थे वो लोग चेंजेस, वहाँ पर जो लॉज लेके आते थे वो 9th स्केड्यूल में डाल देते थे। अब वो जो लॉज है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू नहीं दे पाता था। अब उस वजह से क्या होता था, जुडिशियल रिव्यू के बाहर हो गया था वो सब। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया तो यहाँ पर अननेसेसरी जो लॉज है वो भी यहाँ पर डालना शुरू कर दिया उन्होंने, ताकि जो जुडिशियल रिव्यू है उससे बाहर हो जाए। तो यहाँ पर कई ऐसे लॉज आ गए जो कि उन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर डालना शुरू कर दिया, और वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर भी था। अब एक पॉइंट ऐसा आया कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आतामाझी सटक ली। अब ये तो तुम्हारा बहुत ही हो गया, मतलब तुमने जिस काम के लिए यहाँ पर 9th स्केड्यूल लाया था कि ठीक है तुमको फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस लाने हैं और वो नेशनल के डेवलप नेशन के डेवलपमेंट के लिए है, तो वो तुम 9th स्केड्यूल में रख रहे हो जो कि हमारे जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, लेकिन अब तो तुम ऐसे भी लॉज ला रहे हो जो कि किसी का कोई मतलब ही नहीं है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन रहे हैं, और वहाँ भी अगर हम जुडिशियल रिव्यू ना दें तो फिर तो वो हमारी बेइज्जती हो गई। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब ये जो बीच में जो तुमने दीवार खड़ी की है, अब वो अंबुजा सीमेंट की हो या किसी की भी हो, वो हम हटा कर रहेंगे, दीवार टूट कर रहेगी। तो उन्होंने फाइनली ये जो दीवार है वो तोड़ दी। तो ये बैकग्राउंड है जो 9th स्केड्यूल है उसका। अब थोड़ा हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू है 9th स्केड्यूल का आर्टिकल 31B। अब आर्टिकल 31B, 31A, ये सब जो है हमने फंडामेंटल राइट्स है उसका जो 8th पार्ट है
लास्ट पार्ट जो फंडामेंटल राइट का लाइट लास्ट पार्ट है उसमें भी मैंने ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो मैंने आपको बताई है, और किस तरीके से क्या काम करता है आर्टिकल 31A 31B वो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया है, तो यहाँ पर मैं आपको नहीं समझाऊंगा। तो यहाँ पर रेगुलेशन करता है जो कि 9th शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं। अब ये जो है 9th शेड्यूल में इन्होंने इंक्लूड कर दिया, अब ये जो है ये रहेगा जुडिशियरी से बाहर, जुडिशियल रिव्यू से बाहर, अब ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी उसकी जो गैर फायदा है वो भी उठाया जा रहा है यहाँ पर। तो आर्टिकल 31B अलॉन्ग विद द 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था जब बैकग्राउंड स्टोरी बताई तब। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो कोयलो केस है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जब ये केस आ गया तो गवर्नमेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उनके मतलब पारा हाई चढ़ चुका था, उन्होंने बोला कि आतंकवादी सटक ली, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगी 9th शेड्यूल में जो तुम डाल दो और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा, मतलब तुमको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि कंटेनर तुमने है 9th शेड्यूल मतलब एक कंटेनर है उसमें तुम भरते जाओगे, जो तुमको भरना है वो पाप का घड़ा कभी ना कभी भरने ही वाला है, और वो घड़ा भर चुका है और अब यहाँ पर वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है। अब किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आता है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। अब उन्होंने ऐसा कहा कि लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1973। अब 24 अप्रैल 1973 ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट पर क्या हुआ था तो जो आपने सोचा है वो फिर आप अप्रैल फुल बन गए। 24 अप्रैल 1973 को जो हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है उनका जन्म हुआ था। तो ऑन लाइटर नोट, तो यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो है वो भी हुआ था, आप बिल्कुल सही हो। तो केशवानंद भारती केस ये हुआ था, तो इसके बाद सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया था प्रीएम्बल के हिसाब से चेंज, तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर और दूसरा चेंज भी आया था कि लॉज प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में जो कि लॉज प्लेस किए गए हैं आफ्टर 24 अप्रैल 1973, मतलब आप केशवानंद भारती केस याद रखो या फिर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे याद रखो, तो इनके बाद जो कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर या फिर किसी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था यहाँ पर कि जो भी सचिन तेंदुलकर के बर्थडे के बाद या केशवानंद भारती केस के बाद जो भी 9th शेड्यूल जो वो कंटेनर हमने देखा था उसमें जो कुछ भी आप ऐड करते जाओगे अगर वो फंडामेंटल राइट जो है अगर उसे वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 तो ये सब, अब आर्टिकल आपको याद हो ही गए होंगे आपने फंडामेंटल राइट चैप्टर देखा होगा, तो उस तरीके से अगर ये वॉलेट करता है मतलब इक्वालिटी राइट टू लाइफ एक्सप्रेशन वगैरह वो सब, तो वहाँ पर अगर हार्म करता है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर, अब बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर 11th मैंने आपको डिटेल में समझाया, फिर से देखिए मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छा वीडियो है, तो अगर आप देखोगे तो आपको पसंद भी आएगा इंटरेस्ट भी आएगा उस वीडियो में, बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है तो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा ऐसा कहा गया था। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकले, अब कंक्लूजन क्या थे, तो जैसे अगर सपोज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है अगर वो छीनने की कोशिश की या फिर उसमें कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की तो वो जो है वो अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वो वॉयलेट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, बराबर है। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ला सकते हो। लेकिन जैसे आर्टिकल 21 जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो अगर वहाँ पर आप आर्टिकल 21 में कोई चेंज ला रहे हो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हो, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो रहा है वॉलेट हो रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे फंडामेंटल राइट है जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं कर सकते हैं तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स काफ़ी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अगर चेंजेस लाते हो तो वॉलेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करते हो जो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी दो कंडीशन आएगी, अगर वो अमेंडमेंट थ्रू भी आप करने की कोशिश कर रहे हो तो भी, और अगर आप इंसर्शन ऑफ 9th शेड्यूल में भी डालने की कोशिश कर रहे हो फिर भी वो जुडिशियल रिव्यू में आएगा। मतलब क्या है कि अगर ऐसे कोई फंडामेंटल राइट्स है जहां बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं हो रहा है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में भले ही नहीं आएगा। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल इज़ अंडर द जुडिशियल रिव्यू तो वो गलत रहेगा, एंड नथिंग इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल इज़ अंडर द जुडिशियल रिव्यू वो भी गलत रहेगा। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है
जो फंडामेंटल राइट्स आप ला रहे हो अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहे हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। बस इतनी चीज़ आपको पकड़नी है, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अमेंडमेंट थ्रू भी डालने की कोशिश करते हो या फिर कोई नाइन स्केड्यूल में डालने की कोशिश करते हो, फिर भी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। अमेंडमेंट जो है वो तो सारे अमेंडमेंट जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएंगे, नाइन स्केड्यूल की यहाँ पर बात हो रही है। तो वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी जज ऑन इट्स ओन मेरिट। अब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं वो अपने खुद के मेरिट्स पर यहाँ पर लाए जाएंगे। एक्चुअल इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द लॉज ऑन द राइट्स गारंटेड अंडर पार्ट थ्री हैज़ टू बी टेकन इंटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर जो भी यहाँ पर लॉज लाए गए हैं, जो भी पार्ट थ्री मतलब क्या है, पार्ट थ्री फ्री में मिला है हमको। क्या फ्री में मिला है? तो फंडामेंटल राइट्स हमको फ्री में मिले। तो उस तरीके से जो पार्ट थ्री में जो भी चेंजेस यहाँ पर लाए जा रहे हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं या नहीं करते हैं वो देखा जाएगा। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किया जाता है फिर भले ही वो अमेंडमेंट थ्रू लाया जाए या फिर नाइन्थ शेड्यूल में आप डाल रहे हो तो भी वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। अब उसके बाद और एक चीज़ आती है कि 24 अप्रैल 1973 मतलब केशवानंद भारती केस या फिर सचिन तेंदुलकर का बर्थडे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाली जाती है, नाइन्थ शेड्यूल में अगर कोई भी चीज़ डाली जाती है तो वो अगर वॉयलेट करती है बेसिक स्ट्रक्चर को तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। बस इतनी चीज़ आपको पकड़नी, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी चीज़ अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाली जाती है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करती है बट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। मतलब आर्टिकल 21 जो रीड करता है विद आर्टिकल 14 एंड 19, अब यहाँ पर राइट टेस्ट और एसेंस ऑफ द राइट ये सब लिया जाएगा इसमें जो पार्ट थ्री में दिया हुआ है। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर वॉयलेट करता है तो वो नो इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, उसे कोई इम्यूनिटी नहीं मिलने वाली है जुडिशियल रिव्यू से, वो बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू में आने वाला है। मतलब यहाँ पर आपको जो कॉमन चीज़ें हैं हर एक कंक्लूजन में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या नज़र आ रही है, एक तो ये कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कुछ भी नाइन्थ शेड्यूल में डाला जा रहा है फिर पार्ट थ्री आपको हर जगह कॉमन दिखेगा। उसके जो फंडामेंटल राइट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंडर में आएगा। बस इतनी चीज़ आपको पकड़ के रखनी, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका हो गया नाइन्थ शेड्यूल पक्का। एक्शंस टेकन एंड ट्रांजेक्शन फाइनलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पंग एक्ट शुड नॉट बी ओपन टू चैलेंज। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी एक्शन लिया जा रहा है और जो भी ट्रांजेक्शन फाइनलाइज हो रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पंग एक्ट शैल नॉट बी ओपन टू चैलेंज, ऐसे जो एक्ट रहेंगे वो ओपन नहीं रहेंगे चैलेंज के लिए। अब उसी के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है कि इफ़ द वैलिडिटी ऑफ एनी नाइन्थ शेड्यूल लॉ हैज़ ऑलरेडी बीन अपहेल्ड बाय दिस कोर्ट। अगर किसी भी नाइन्थ शेड्यूल में जो कुछ भी एक लॉ लाया गया है अगर उसकी वैलिडिटी जो है वो ऑलरेडी अपहेल्ड की गई है कोर्ट के द्वारा, वो ओपन नहीं रहेगी चैलेंज के लिए। मतलब देखिए इसमें ऐसे भी चीज़ें हैं जो चैलेंज नहीं की जा सकती है जो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, और ऐसी भी चीज़ें हैं जो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है। अब उसके बाद ऐसा होता है कि अगर पार्ट थ्री में कोई भी चेंजेस यहाँ पर लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो 24 अप्रैल 1973 के बाद यहाँ पर लाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अब ऑब्वियस है अब अगर नई चीज़ कोई भी आएगी तो 24 अप्रैल 1973 के बाद ही आने वाली है। तो आज के तारीख में अगर कोई भी नई चीज़ यहाँ पर नाइन्थ शेड्यूल में डाली जाती है और वो पार्ट थ्री मतलब फंडामेंटल राइट जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वॉलेट करती है तो वो ओपन रहेगी चैलेंज के लिए। शैल बी ओपन ऑन द ग्राउंड इट डिस्ट्रॉय डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर, इससे आपको पता चलेगा बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक बार फिर से वीडियो देखना ही पड़ेगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो 11th चैप्टर है, ज़रूर देखिए। उसी के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 8th चैप्टर भी देखिए, आपको और बैकग्राउंड जो है वो क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो फैमिली हमारी बनी है उसे और बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।